तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। और ये देख लो अपनी स्कूबी किस कंडीशन में है। आई डोंट थिंक सो कि आपने इस कंडीशन में कभी मेरी बाइक देखी है कि नहीं देखी है। पूरी मैंने खोली है और इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। इसका अगला फ्रेम थोड़ा सा, रोहित का फोन आ गया यार, मैं एक बार निकलता हूँ फिर बाइक पे बात करते हैं। मेरे को एंगल भी नहीं पता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट चलो जो भी है देखा जाएगा। और भाई बाइक ऐसे चलाने में कितनी हल्की लग रही है ना, पूछो मत, सेक्सी फील आ रहा है ब्रो। पूरी नेकेड है बाइक अभी अपनी, कहीं फेयरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी हल्की। ओहो भाई आप लोगों को भी पता नहीं क्या ही मजा आएगा देखने में। सिर्फ ग्रीन कलर की टैंकी और ग्रीन कलर का मडगार्ड है जिसकी वजह से पता लग जाए ये निंजा है। सतनाम शुरू है गुरु। और मेरे को इसको ऐसे चलाने का रीजन ये है कि भाई आगे से मेरी जो फेयरिंग टच हो रही थी ना, तो वो मेरे को चेक करनी थी कि क्या चीज़ बेंट थी, तो मैंने इसलिए आगे से पूरी नेकेड कर दी है। मेरी बाइक पूरी नंगी हो चुकी है अब, बहुत लड़के इसको नज़र रखाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग के साइड क्योंकि वहाँ पे रोहित भैया भी वेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बाइक में कुछ छोटी सी वेल्डिंग करानी है और मेरा भी वेल्डिंग का काम है, तो बट मैं वेल्डिंग अभी नहीं कराऊंगा, मैं कराऊंगा 3-4 दिन बाद, बट उनकी हम वेल्डिंग अभी करा देंगे। पावर तो ऐसा लग रहा है बढ़ गया क्योंकि नेकेड हो गया ना, तो वेट कम हो गया बाइक से पूरा। रोहित भैया भी यहीं खड़े होंगे कहीं पे, और हमारी बाइक की डिग्गी खुल गई पीछे से। नंगी गड़ी कर रखी थी, मैं इसको ऐसे ही ले आया। गाइस मैं एक चीज दिखा दूं, मैंने ना ये चीज टूटी थी तो ये वेल्ड करा दिया था, ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसको अभी भी ठीक कराना हमने। भाई पावर बढ़ गई ना, थी हल्की होगी इतनी यार इसकी ना। मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है ये फ्रेम बेंड हुआ है। यहाँ पे ये नट था, इसको लूज करके टाइट कर दिया था, लूज करके ना इसको ऊपर उठा के टाइट कर दिया था, तो एक बार ना इसकी पूरी फिटिंग करके ना दोबारा से एक ना यहाँ का नट गिरा हुआ है, देखो ये वाला ये देखो, तो ये एक बार पूरा लगा के ना उसके बाद फिट करूंगा, तो उसके बाद देखूंगा ये चीज टच तो नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अगर हो रही है तो गर्म करके ना ये चीज इसको ऊपर उठा देंगे, यहाँ से हल्का से ऊपर उठा देंगे। ये साइड हुई है, इसको गर्म करके हल्का सा अंदर को पुश करवा ले, अंदर को कैसे यूं, और उसके बाद ये चीज गर्म करके थोड़ी सिद्धि करानी है। फैंस की आंख क्या सेक्सी लग रही है ये, लगाई थी बट ये जब तक टाइट नहीं होगा ना ये पूरा ऊपर नहीं आएगा, जब तक ये नहीं फिटिंग आएगी। मैंने लगाया था साला टूट गया प्लास्टिक नक्के ने, वो साइड से टूट गया। GoPro ऑन है ना, देखना एक बारी। यार एग्जॉस्ट लगवा लिया, क्या बात है इसके, अब तो आएंगे, बढ़िया लग रहा है। आवाज सुना ना हमारी लोगों को, क्या बात है। आए वो सेक्सी यार, के लिए तो नहीं बोल रहा है। नहीं एक्चुअली में अच्छी है। हाईवे से चलते हैं, बाहर अंदर से चलना है, अंदर से चलते हैं। चलो ये बाहर से जाना है, मर्जी आपकी। हाँ भी बाय। तो भाई लोग अभी जा रहे हैं वेल्डिंग कराने रोहित भैया की बाइक के स्टैंड की। भाई स्वाद आ रहा है यार बाइक चलाने में, क्या बोलते हो इसको ऐसे ही रखूं। लग रही है। भाई साहब साउंड से ही लोग इसके साइड हट जाते हैं। अभी हमने बाइक टेस्ट करी है, जो मेरे को इशू लग रहा था वो हमने ढूंढ लिया है, और एंड बाइक पे मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं कहीं और से नहीं करा रहा। हाँ अगर इनके कुछ पार्ट डैमेज है वैसे तो मैंने ठीक करा लिया आज वो, और कल करा लिया था, जैसे मैंने बताया कि मेरा फुटपैड टूटा था तो मैंने वेल्ड करा लिया था ऑफ कैमरा ही। ऐसे छोटे मोटे काम मैं खुद करा रहा हूँ, मतलब छोटे मोटे क्या सारे खुद ही कर रहा हूँ, बाकी सब बढ़िया काम। 25 से लड़कियाँ 36 से तुम्हारा भाई पूरी तरह से रिकवर कर चुका है,
एंड मैं ठीक हो चुका हूँ, जा रहा हूँ घर की तरफ। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो भाई, एंड इस तरफ से आपको बाइक देखने को मिल रही है। कुछ दिनों में हम इसको जल्दी ठीक करेंगे। कुछ प्लान ये भी है कि हाँ इसको ऐसे ही चलाएं एज ठीक। छोटे छोटे बच्चों के रिएक्शन तो आते हैं भाई, चाहे बाइक फेयरिंग हो चाहे नेक डो, लेकिन रिएक्शन आएंगे। बस उनके लिए क्या, उनको सिर्फ बाइक में आवाज़ चाहिए। आंटी अभी मुड़ मुड़ के देख रही है कि ये क्या चीज़ जा रही है। रोहित भैया और ये कहते हैं कि ये सारा आगे से उतार के ना आगे प्लेन एक शीट लगा दे, कहते जैसे स्टंट बाइक में होता है ना वो कर ले इस पे। मैंने कहा बात तो ठीक है। हैप्पी बर्थडे, क्या हाल है तेरे, बर्थडे पार्टी कहाँ है? वो तो 6 को था बर्थडे। मैंने कहा तो आज पता लगा। आपको बुलाने आ गई है, मैं साथ में। बाइक का क्या है? बाइक का क्या है, ये बस होता रहता है ये छोटी मोटी बातें। ये बोल रहा हूँ मिला मिला भैया से। मिल लिए, खुश हो गए? नहीं यार, स्टिकर बनवाने पड़ेंगे यार, स्टिकर तो चाहिए, बनवाऊंगा अभी। चलो भाई, रब रखा, पीस आउट।